सुनदारे हो तू सदा न माणिया दी की ना सुनेगा बेपरवाह मेरी लुट पुट मैनू दुनियादारिया ने दुनिया दिल दी कीती तबाह मेरी नंद लाल देवांग हुण डुब दे दी बेड़ी पार ला दे सच्चे मला मेरी कदरदान है तू कवि शरीदा जमना वगदी अजे गवाह मेरी जिधर वेखदा हां बन हिरस पांबड़ा हुण मैं रहा ना किते भी जान जोगा कोई रोंदे दे अथरू पूंजदा नहीं ना कोई हस की रहा बिलान जोगा मेरे लई ना ये जहान रहा ना मैं रहा इस जहान जोगा बिखड़ी जिंदगी दी मंजल विच हुण मैं सिर्फ रह गया ठोकरा खान जोगा। परम सत्कारयोग खालसा जी, पेश कर रहे हैं एक तियां दे बाप दी दर्द कहानी। ये सारा प्रोग्राम फाइन टच कंपनी वाले वालों रिकॉर्ड करके कवि श्री जथा भाई जरनैल सिंह जी आप जी दे कर कमलों में पेट कर रहे ने। आओ सारी संगत सरबत माई पाई विचार सांझे करन तो पहला फतेह बुलाइए। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उस वेले दी गल है जेड़े वेले भारत की धरती उत्ते अंग्रेजां दा राज सी। कोई कहिंदा अंग्रेज दा राज बड़ा चंगा सी, क्यों नहीं कर सकदा, लेकिन उस राज दा सर्वर इतिहास विचों पढ़ के वेख्या जाए ते नजर आउंदा है छोटियां पिंडां दे उत्ते गुंडे ते चौधरी राज करिया करदे सन। घटना वापरी फरसे दे विच एक मिस्त्री सिख भाई मियां सिंह साहब जी रहिंदा है। इसे ही सरसे दे विच सरजे ते गरजे बिगड़ा वाले दे नानके ने इसलिए अपने मामे दा पुत बना के पग बिटा के भाई मियां सिंह साहब नूं अपने पिंड बीघणा विच लै गए ने। सारा ही मुसलमानां दा पिंड है, जेकर सिख है तां मिस्त्री सिख भाई मियां सिंह साहब जी है। कुदरती दात मियां सिंह दे घर विच दो जवान तियां ने और उन्हां तों छोटा पुत्तर है। छोटे बच्चियां तों वड्डे हुंदियां देर ना लगी जदों भाई मियां सिंह दीआं तियां उत्ते जवानी आई। मैं कई वारी सोचिया करदा हाँ रब डड गरीब नूं सूरत ना दवे क्योंकि दुनिया उसदी दुश्मन बन जाया करदी है। मिस्त्री सिख गरीब है, कल्ला है, बंदियां दी बड़ी घाट है। घर विच जदों दो तियां जवान हो गईयां जिहड़े सरजा ते गरजा पग वटा के भरा बना के भाई मियां सिंह नूं अपने पिंड विच लै के गए सन, उन्हां दे मन बदल गए ने। उन्हां प्रोग्राम बनाया क्यों ना भाई मियां सिंह दीआं तियां दे रिश्ते जिहड़े हन जबरन अपने पुत्तां नूं लै लै जाण। एक दिन भाई मियां सिंह साहब नूं अचेचे तौर ते बंदा भेज के अपने घर विच बुलाया है। सरजे ते गरजे ने कहना शुरू कीता, मिस्त्री जी तू भी जवान तियां किते व्याहुणियां है, साढ़े पुत्र बड़े होनहार ते जवान ने इसलिए असां चोण कीती है तेरियां तियां दा रिश्ता अपने बच्चियां वास्ते लै लिया जाए। हैरान हो गया भाई मियां सिंह साहब जी, किथे पग विच भरा बने सन पर धर्म दे पक्षों जिमी असमान दा फर्क है, वह मुसलमान मिर्जे ते मियां सिंह मिस्त्री सिख है। इन्हें इनकार किया, धक्के मारे ने, सिर तो पग ला के सुट दी है, लाल डेलियां कट के सरजे ते गरजे ने आख्या मियां सिंह जे मन जाए ते गल चंगी है, नहीं ते जबरन तेरियां तियां चुक लिया जाणगियां। परे मन दे नाल पिसे मन दे नाल दुखी मियां सिंह अपने घर विच परतिया है। पति दा उदास चेहरा तकिया उहदी तरुण पत्नी बीबी खेम कौर ने पुछया, पति जी किस कमली मिर्जिया ने सद्या है, पब्बा मार के रो उठिया। जवान तियां हैरान हो गईयां, पुछदियां बापू की कारण है। तियां ने सामने खलोता मिस्त्री मियां सिंह अखां विचों अथरू केर के जिवें रो रो के दर्द खाणी दसदा है, जिवें अपनियां बेटियां दे नाल इह दुखां परिवार तां दसण लगा है। उस वेले दा वेरवा कवि श्री जथा भाई जरनैल सिंह जी सुभरावां वाले साथी मेजर सिंह अते भगवंत सिंह जी गिल उस वेले दी वार्ता नूं इउं बयान कर रहे, सुणीए।
पुछे आ जा तिया मिया सिंह रो पिया रब डाडा साडे ते करो पहो पिया ओ पेंदे दुखी पारे बंदिया कला प्यानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू ओ पुछे आ जा तिया मिया सिंह रो पिया रब डाडा साडे ते करो पहो पिया ओ पेंदे दुखी पारे बंदिया कला प्यानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू ओ सर जाते घर जा जरानी संग दे डोले दोहा तिया दे चंडाल मंग दे ओ साडे कारी चाहुंदे ने वे आउणा काक्यानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू नहीं असी गोर सिखी ओ मुसलमान ने फस गई कड़िकी वेच साड़ी जान ने ओ नस जावा किथे साड़ी के लटाक्यानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू जी तक्के मारे मैनू साथ च बला के ते कहिंदे सी ती ओड़िया मत्थे ते पाके ते ओ मार लेना है उन्ना ने जवर डाकानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू सरजे ते गरजे दा बहुता जोरिया सच भई सरजे ते गरजे दा बहुता जोरिया बंदिया तो साडा पख कमजोरिया ओ औखी वेले केड़ा देवे तरवासानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू ओ सोजदा ना कोज किथे जाके रवां मैं दस रब्बा केड़े होण खूच पवां मैं ओ पानी कोलों औखा बचना पतासानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू नहीं पिछले जन्म दा कोई कीता पाप मैं बनिया गरीब तां तियां दा बाप मैं फिर देना पैना लेखा जी भाई मेजर सिंह देना पैना लेखा जुगां दे सराफियानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू जे ना बां फड़ी आन के गरीबां दी पोची जानी फटी साडिया नसीबां दी जरनैल सिंघा सिखी करे अरदासियानू रब तिया देवे ना गरीब मापियानू परिवार दे सामने घरवाली दे सामने अपनियां तियां दे सामने मियां सिंह भुब्बा मार के रो उठिया तियां नूं कह रहा सी बेटी जे मैनूं पता हुंदा तुसी जवान हो जाना है मेरे उत्ते मुसीबतां पै जाणियां पग वटाउण वालियां ने दुश्मन बन जाना मैं कदे सरसा छड के बीगणा पिंड विच ना आउंदा लागू धर्म पत्नी ने सलाह दित्ती पति दे इको इक चारा है कि रात बराते तियां नूं लै के आपां इस पिंड विचों नस चलीए सरदार मियां सिंह ने कहा कमलिए मिर्जिया ने पारे ला दिते ने वह निगरानी रखते ने वह सानू घर छड के भी नसण नहीं देणगे सामने खलोतियां सन सिख बेटियां रो उठियां पिता जी माता जी साढ़े कारण ही सारा परिवार दुखां नू फड़े जाओगे जे मिर्जिया ने ना मनी कह तो साढ़े भरा नू कल कुट के मार देन मियां सिंह ने आख्या बेटी सच्ची गल है उन्होंने धमकी भी यो दिती है कि जे रिश्ते ना दिते ता जबर तुहानू उठा के खड़िया जाएगा उन्होंने बच्चे नू मार देन दी भी धमकी दिती है तियां सामने खलोतियां हन गल विच पल्ला पाया बापू असी सिख दियां बेटियां हाँ गुरबाणी पढ़न वालियां हाँ साडे धर्म दा उन्हां दे धर्म दा जिमी असमान दा फर्क है असी सिख हो के हुक्यां त्याग किवें तरांगियां बापू जे कसाई लै गए ते साडा धर्म बर्बाद हो जाएगा दुनिया मेहने मारेगी कि मिर्जिया ने एक सिख दियां कुड़ियां जबरन उठा के ले आंदियां बापू इको एक रस्ता है कि साडे गल घुट दे सानू जानो मार दे साडा धर्म रह जाएगा और तू इज्जत बचा के इथों नस जा गल विच पल्ला पा के गरीब सिख दियां तियां मीन सिंह दियां तियां अपने बापू नूं जिवें बेनती कर रही हैं उस वेले दियां लाइनां नूं जरनैल सिंह सुभरावां दा जथा इउं पेश कर रहा है जदों रो रो मियां सिंह ने सुनाया वाकिया अगों सुन के गरीब बेटियां ने आखिया
सुन के गरीब बेटियां ने आखिया जीना हो गया हराम साडे सारे जिया दा बापू इज्जत बिचाले गाली कुट दे बेशक तू गरीब तिया दा बापू इज्जत बिचाले जदों रो रो मियां सिंह ने सुनाया वाकिया अगों सुन के गरीब बेटियां ने आखिया सुन के गरीब तिया ने आखिया जीना हो गया हराम साडे सारे जिया दा बापू इज्जत बिचाले काली कुट दे बेशक तू गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बिचाले माड़े हुंदे ने गरीब माड़े हुंदे ने नसीबता गरीब जमदा लेके अपने ओ पिछले नसीब जमदा अपने ओ पिछले नसीब जमदा मारे जुगा निशान तरम दिया निहादा बापू इज्जत बचाले गाली कुट दे बेशक तू गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बचाले माड़ा मिर्जिया ने किता पगां नूं वटा के ते पहला सरसियों लियांदा मित्र बना के ते सरसियों लियांदा मित्र बना के ते मारिहा नहीं अमान बापू इन्ना मीहा दा बापू इज्जत बचाले काले कोट दे बेशक तू गरीब तिया दा बापू इज्जत बचाले रब्बा रूप इन्ना कानू दिंदा तू गरीब नू जे तू कखा नालों हौले लिखना नसीब नू कखा नालों हौले लिखना नसीब नू देना तकड़े मनाउंदे इत्थे नित तिया दा बापू इज्जत बचाले काले कोट दे बेशक तू गरीब तिया दा बापू इज्जत बचाले तेरा इत्थे किसे बापू वे तेरा इत्थे बापू किसे ने वडाउना दुख ना स्याने आख दे रोही चकला होवे रुखना स्याने आख दे रोही चकला होवे रुखना किवें बकरी मुकाबला करूगी शीहा दा बापू इज्जत बचाले काली कुट दे बेशक तू गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बचाले जे ओ जोरी लै गए चुक बापू की करांगियां अग हुक्कियां ते किवें सिख हो तरहांगियां अग हुक्कियां ते किवें सिख हो तरहांगियां ओ फेर फायदा कोई नी बापू दंदियां करीहां दा बापू इज्जत बचाले काले कुट दे बेशक तू गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बचाले जां कोई तरमी ए टिके खट लवे जस दे साडी दर्द कहानी बब्बरां नूं दस दे दर्द कहानी बब्बरां नूं दस दे भुला मिल जे जे किते धर्मी मसीहा दा बापू इज्जत बचाले काले कुट दे बेशक तू
गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बचाना है। सानू जापदा कूंजा ते बाज टुट पैण गए, सानू जापदा कूंजा ते बाज टुट पैण गए। सेरे बन के अखीर पापी ढुक पैण गए, सेरे बन के अखीर पापी ढुक पैण गए। वो दिता वक बाज ना ने दिना पंजा शिया दा बापू इज्जत बचा लै। काली कोट दे बिशक तू गरीब तिया दा वे बापू इज्जत बचा लै। इधर दुराचारी मिर्जे जेड़े सरसे दे इलाके विच बड़े धार्मिक मन्ने हुए सन, बड़े जालम मन्ने हुए सन, गरीबां दी इज्जत नाल खेडण वालिआं ने मियां सिंह नूं धमकी दित्ती है। उधर मियां सिंह बैठा परिवार विच विचारां कर रिहा है। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਰਅਸਲ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪੜੀਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰੀਓਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਕੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਅਣਖ ਜਾਗੀ, ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਰੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 11 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ 11 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਲ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਕਾ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੀਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਬੀਟੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਗਊਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਊਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਊਆਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬੀਟੀ ਹਥਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਥਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬੀਟੀ ਹਥਿਆਰੇ ਤੋਂ,
ਹੀਰੋ ਕਲਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਥਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਲਿਖਣ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਰੋਹੀ ਨੇੜੇ ਬੋਹੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਬਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਗਲਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੈਸਾ ਲੇਖੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਾ ਖਰਚ ਵਿਆ ਦਈਏ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਾਬਿਰ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਬੋਹੇ ਬਲਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਤਾਈ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀਏ ਨਾਨਾ ਏ ਉਹ ਕਰਨ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੋ ਬੰਬ ਬਦੂਕਾਂ ਜਲਦੀ ਘੱਤ ਵਹੀਰ ਦਿਓ ਚੁੱਕ ਲੋ ਬੰਬ ਬਦੂਕਾਂ ਜਲਦੀ ਖੱਤ ਵਹੀਰ ਦਿਓ ਕੱਢ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮੇਟ ਲਕੀਰ ਦਿਓ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਫਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅਕਬਰ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਮੋਢੀ ਪਾਈਆਂ ਰਫਲਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜ ਪੈ ਲੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਖਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਖਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੱਬਰ ਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਕੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬੋਹੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਪੁੱਚੜਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਆਣਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਰਫਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਸਰਦਾਰੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਪੀ ਮਰਾਸੀਆ ਖਰਚ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰੋ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਕੋਹੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਗਊਆਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੀਗਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਜਾ ਤੇ ਗਰਜਾ ਬੜੇ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
कहे मरा सी खालसा तानू समझावा आखर गल आउंदियां टुट जान जे बावा तुसी वसौनी चावंदे सुख नाल जिपर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाती गर जा कहे मरा सी खालसा तानू समझावा आखर गल आउंदियां टुट जान जे बावा ओ तुसी वसौनी चावंदे सुख नाल जिपर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाती गर जा विच बीकड़ा पिंड दे मिया सिंह रहिंदा दर्द कहानी उस दी तुहानू मैं कहिंदा ओ वध गुआ छिडवाउण तू जे लैणा दर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाती गर जा घर विच मिया सिंह दे मुटियार दो धीआं घर विच मिया सिंह दे मुटियार दो धीआं जबरी चुक ले जानिया निरगिणिया शीआं ओ दाबे देण गरीब नू नित उस दे घर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाते गर जा सर जा गर जा दो ने उस पिंड दे गुंडे जबरी कहण वे आवने सिख दे घर मुंडे रोबी उन्ना दा वेख के सब जंदी डर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाते कर जा मुछा रखन कुंडियां बहुते हंकारे पहुंच उन्ना दी बहुत है सरकार दवारे ओ पौंकण नित शराब पी हिंगण जो खर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाते कर जा नहीं आउना दूजी वार नहीं दुनिया ते कुंडे तेरे तो बिन सोधने किसने ओ गुंडे नदी ने किया वालड़ी हस हस के तर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाते गर जा सुन के कुंडा सिंह नू सुन के कुंडा सिंह नू झट चढ़ गई लाली कीती उस तैयार है झट फौजी अकाली जरनैल सिंघा इतिहास नू लिखी अगे पर जा कर दे तंग गरीब नू सर जाते घर जा डीगना पिंड वाला मरासी ये मीर ज्यादा जथेदार पुंडा सिंह साहब दे सामने खलोता भाई साहब भाई मिया सिंह साहब की दर्द कहानी सुना रहा है। एक बारी बब्बर अकाली सोचा विच पै गए ने साडे हुंदिया साडे जीवंदिया कि सिखां दे नाल मिर्जे इन्ना जुल्म करन लगे ने पुंडा सिंह ने खंगूरा मारिया मुछां नूं वट दित्ता परन कीता ख्या मीर जादिया जे ये गल है पुचड़खाना बाद विच वड्डिया जाएगा पहलो उन्हां मिर्जियां नूं सोधिया जाएगा। मरासी ने आख्या खालसा जी की दसा बड़ी दर्दनाक कहानी है सिख दी उन्हां वेलियां दे विच जां अज वी वेखो राजस्थान विच डिग्गियां बणियां होईयां ने। इसे तरह सरसे दे जिले विच वी बड़ी पानी दी किल्त सी और पिंड विच एक डिग्गी बनी होई है जिहदे तों सारा पिंड पानी भरदा है। अपनी ईन मनाउण लई इह मिर्जे भाई मियां सिंह साहब नूं दबाउंदिया होईयां ने गाईं दी रत इन्हां डिग्गियां विच सड़वा दित्ती है। नरकां वर्गी जिंदगी सी भाई मियां सिंह दी। एक सिख उत्ते होण वाले जुल्म दी दास्तान दस रहा है। सुणदिआं सार पुंडा सिंह साहब नूं लालियां चढ़ गईआं उहदे डौले फरक उठे ने और मुछां नूं वट चढ़ाया शेर ने परन कीता कहिंदा जो रब अगे अरदास करके तुरिआ हां सतगुरु ने उह पूरी कर देणी है। असल विच किसे गरीब दी धी छिड़वाउणी किसे दा धर्म बचाउणा इहदों वड्डा कोई परउपकार नहीं होया करदा। मित्रो मरासी दस रहा सी सरदारा गरीब दी कोई जिंदगी नहीं बड़ा प्रेमी सिख महाराज दा लेकिन जरवाणे उहनूं दबा रहे ने। उन्हें इत्थों तक भी कह दिता है भी जे अठां दिनां दे अंदर अंदर अपनियां धीआं दे डोले दे दवें ते चंगी गल है नहीं ते असीं बंदे लिया के जबरन चुक के लै जावांगे। मियां सिंह बेचारा बड़ा दुखी है वह सोच रहा है किधर जावां
और ओ कला है, सिर उते माई बाप नहीं, भरा नहीं, एक एक पुत्र ओ भी छोटा है, बेचारे नू किथों बदात आउणी है, ओ दुखी करमां नू चूर चूर के रो रहा है। दर्द कहानी भाई पुन्ना सिंह साहब ने सुनी, उस वेले आख्या नाल दे साथियों नू मित्र, ओहे बलाडे दा बुचड़ खाना बाद विच वढ़िया जाएगा, गऊआं बाद भी छिड़वा लिया जाणगियां, लेकिन जिहड़ियां गऊआं तुहानू मरासी ने दसियां जो जुर्माने चुक के लै गए उन्हों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। उस वेले अपने साथियों नू नाल लैके ये सलाह ढा दित्ती ते बीगड़ां वल नू चाला पा दिता है, मरासी नू नाल लिया। चलदे चलदे मंजलों मंजली ये जाते हुए सूरवीर बहादुर तारियां दी छावें कुकड़दी वांगना बीगड़ां पिंड दी हद वी चपड़े ने, मरासी नू भेजिया। ओ मरासिया ओ मीर जादिया, एक वारी जाके भाई मियाँ सिंह साहब नू ये कह दी कि तेनू कुंडा सिंह बब्बर साथियों समेत बुला रहा है, मिलन वास्ते आया है, हुण तेरे दुखां दा इलाज हो जाएगा। जाके मरासी ने कुंडा खड़काया, घाबरे हुए मियाँ सिंह ने बारला दरवाजा खोलिया है, मरासी नू वेख के पुछया मीर जादिया किवें आया है, ते मीर जादे ने दस्या भाई मियाँ सिंह जी तेरे दुखां दा इलाज करन वाले मिल पए ने, बाहर वड्डियां फसलां दीआं वट्टां उत्ते बैठे हुए तैनू उड़ीक रहे ने, इसलिए बब्बर काली कुंडा सिंह तैनू बुला रहा है। कुंडा सिंह का नाम सुनिया बड़ा खुश होया भाई मियाँ सिंह, वो जानता सी कि कुंडा सिंह परपकारी अते देश दा दर्दी है, इन्हें दुध का डब्बा घर विचों भर लिया है, तुरिया है मरासी के नाल, ते बार बार पिंड के फसलों में आन मिलिया है भाई मियाँ सिंह साहब नू फते बुलाई। भाई मियाँ सिंह साहब नू घुट के गल ना ला लिया बब्बर काली कुंडा सिंह ते उहदे साथियों ने, वट उत्ते बिठा लिया, प्रोग्राम बनाया, दस बई तेरे दुखां दा इलाज करन वास्ते आए हाँ। रो उठिया मियाँ सिंह मिस्त्री, कहिंदा खालसा जी गरीब की जिंदगी कोई नहीं, बड़ा दुख दे रहे ने, दबा दे रहे ने, इत्थों तक कह दिता है कि अठा दिनों तक जे मैं कुड़ियां राजीनामे दे नाल उन्हां दे नाल ना तोरियां वह जबरन उठा के लै जाणगे। भाई कुंडा सिंह साहब ने कन्न ते थाफी दे के आख्या मियाँ सिंघा घाबर ना, असीं हुण इसे कार्ज वास्ते आए हैं, भाई मियाँ सिंह साहब जी नूं जिवें बब्बर अकाली कुंडा सिंह साहब जी तरवास दिंदे होए प्रण करदे ने, उस वेले दीआं लाइनां नूं जरनैल सिंह सुभरावां वाले दा जत्था मेजर अते भगवंत सिंह इउं पेश कर रहे ने। बोले कुंडा सिंह मुख चों प्यार ना, ऐवें मियाँ सिंघा हौसला तुहार ना, भावें टक्कर है साडी सरकार ना, तीआं तेरीआं दी असीं इज्जत बचा देंगे, असी गोलियां ना वेखी फक्कियां उड़ा जांगे। तेरे पिंड दे मरासी सानू दसिया हल हो जू तेरी जल दी समस्या, असी एवें नी गा रैफलां नू चक्किया, तैनू चिट्टे देण दाने भुन के विखा जांगे, चा सरजे ते गरजे दे दिलां दे ला जांगे। बोले कुंडा सिंह मुख चों प्यार ना, एवें मियाँ सिंघा हौसला तुहार ना, ਭਾਵੇਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ, ਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੀ ਜਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨੀ ਗਾ ਰੈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇਣ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾ ਸਰਜੇ ਤੇ ਗਰਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਯੋਧੇ ਬੱਬਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਖੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੱਥ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜੀਜਾਂ ਚਾਈ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਥੱਕੇ ਨਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਜਾਈ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਛਡਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਜਾਂਗੇ, ਚਾ ਸਰਜੇ ਤੇ ਗਰਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ ਦੇ, ਕੈਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਚੰਗੀ ਦੇ, ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜੋਧੇ ਜੰਗੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫੜ ਕੇ ਕਸੂਰ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਦਰੇ ਜੇ ਰੋਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਰੇ ਜੇ ਰੋਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਸਾਥੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਵਿਦਾਲੀ ਜੈਸੇ ਨੱਸ ਕੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸ ਕੇ,
ਮੱਸੇ ਰੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਚਾ ਦਾਂਗੇ ਚਾਹ ਸਰਜੇ ਤੇ ਗਰਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੁਸਨ ਲਟੇਰੇ ਜੀ ਪੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸੇਰੇ ਜੀ ਵੇਖੀ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਲਾ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀਰ ਮੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਲੈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਜਾਂਗੇ ਚਾ ਸਰਜੇ ਤੇ ਗਰਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਲੇ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਕਤ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਨਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਤਾਣੀ ਬਦਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਰਜਾ ਤੇ ਗਰਜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਸਤਰੀ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਲੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਗਿੱਝੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਮਸ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਗਜ ਗਜ ਤੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੁੰਡੇ ਮਛਹਿਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਅਧੂਰਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਰਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਖੇਮ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਟੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੇਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰ ਗੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਚਨ ਸਿਰਾਣਾ ਨਵਾਉਣਗੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੰਡਾਉਣਗੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੇਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਿਰਾਣਾ ਨਵਾਉਣਗੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੰਡਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾ ਗਮਾਂ ਦੇ
तैनू कुंडे दी धर्म पैण तू ओ जूंदे रे तां तैथों रखड़ी बनाउणगे पैणे तेरे वीरे दुखड़े वडाउणगे पत मैं बचा लूंगा धर्म तियां दी रत पी के छड्डू मिर्जे दे जियां दी कीतियां वधीकियां ते पछोताउणगे कीतियां वधीकियां ते पछोताउणगे पैणे तेरे वीरे दुखड़े वंडाउणगे कहिंदा खटणी है नेकी जिंदगी दे खेल चों होए तां पंदौड़े संगरूर जेल चों ओ जिंदगी सफल अपनी बनाउणगे पैणे तेरे वीरे दुखड़े वंडाउणगे साथी असी बने गड़गज बाबे दे साथी असी बने गड़गज बाबे दे सुने होने तुसा बबर दबाबे दे गोरे दिया जड़ा हिंद चू हलाउणगे पैणे तेरे वीरे दुखड़े वंडाउणगे खांदे जेड़े तुंबे नित लागे राड़ा नू पा देंगे नत्थ खूनी बघियाड़ा नू माड़े दी इज्जत फेर ना टिकाउणगे पैणे तेरे वीरे दुखड़े वंडाउणगे कुंडा सिंह साहब ने तरवास दिता अपनी तरम पैन बीबी खेम कौर नू हे प्यारी पैन तेरा भरा परण करदा है तेरे दुखां दा इलाज किया जाएगा और ये परपकार करन लई भाई कुंडा सिंह साहब ने मिश्री मियां सिंह साहब दे नाल विचार कीती है सारा प्रोग्राम पक्का कर लिया गया जेड़ा मियां सिंह कुछ दिन पहलों परी सत दे विच मिर्जिया नू जवाब दे के आया सी ते मिर्जिया ने धक्के मार के सिर तों पग उतार दित्ती सी अज उही मियां सिंह फिर सरजे ते गरजे दे घर नू आप चलिया है अगले पासे मुछां नू वट चढ़ा रहे सन कुर्सियां उत्ते बैठे हुए मिर्जे ते भाई मियां सिंह साहब पहुंच गया बुलाया आ भाई मियां साहब कुछ होया दिमाग टिकाने कीती परिवार दे नाल सलाह मिठी हुई गोल अनुसार हाथ जोड़ के खलो गया भाई मियां सिंह साहब कहन लगा मिर्जा जी मैं अपने रिश्तेदारां दे नाल सलाह कीती सी मेरे सके सोदरे ते मेरे भैण भरा नहीं सी मनदे क्योंकि मजबूरी सी तां ही मैं हां नहीं सी कर रहा बोलिया गरजा अते सरजा भी हुण किहड़ा रिश्तेदार है जिन्हें तेनू नेक सलाह दित्ती तेनू समझा दिता हाथ जोड़ के खलोता मियां सिंह कहन लगा मिर्जा जी मेरे घरवाली दे मामे दे पुत जिहड़े फौज विच भर्ती ने ओ कुदरती छुट्टी आए सी सानू मिलन वक्त आ गए जदों असी तुहाडा नां लिया भी असी उहनां नू रिश्ता नहीं दिंदे उहनां ने बड़ा सानू झिड़किया बड़ा सानू झाड़िया उहनां ने इह दलील दित्ती भी जे एडे वड्डे मिर्जे तुहाडियां कुड़ियां दा साथ लैंदे ने रिश्ता लैंदे ने ते होर तुहानू की चाहीदा है बड़े खुश होए मिर्जे कहन लगे भी बड़ी चंगी गल है ते नाल ही भाई मियां सिंह साहब ने यह भी कह दिता भी जे गल लम्मी पै गई शायद कुछ मेरे रिश्तेदार नाराज होए शायद ये गल ना कर देन इसलिए आपां जल्दी तो जल्दी ब्याह की तैयारी कर लईए मिर्जा ने दंदियां जिहियां कढ़ के आख्या ओए ना शराब कढ़ी ना रिश्तेदारां नूं सिने भेजे एडी छेती ब्याह किवें हो सकदा मियां सिंह कहन लगा जनाब जो भी करना है ओह छेती तो छेती कर लो कुड़ी दे मामे और घरवाली दे मामे दे पुत भरा जिहड़े फौज विचों आए ने उन्हां दी छुट्टी बड़ी थोड़ी है इसलिए उन्हां अठां कु दिनां नूं अपनी ड्यूटी उत्ते चले जाणा है चंगा जिहा वार विचार के जे दस दिओ ते मैं वी रिश्तेदारां विच सुनेहा घल देंगा वीरवार आउण वाला सी मियां ने आख्या भी बड़ा चंगा वार है क्योंकि हर धर्म अंदर किसे वार नूं माड़ा ते किसे नूं चंगा कहा जांदा है वीरवार दा दिन मुसलमाने धर्म विच बड़ा चंगा मन्निया जांदा है इन्हां आख्या बई वीरवार नूं असीं मुड़ियां नूं सिरे बन के ढुक पवांगे पर यह गल याद रखी कि जरा विआह पूरे टौर वाला करना छापा छले मिलनी उत्ते चाहिए ने जंज दा खाण पीण भी चंगा होना चाहिए सेवा भी तगड़ा होके करी ते धीआं नूं कुछ दे के तोरी मिस्त्री हस के कहन लगा जनाब मेरे कोलां तां कोई बहुता रिजक नहीं पर जिहड़े मेरियां लड़कियां ने मामे ने बड़ी उहनां उत्ते रब की कृपा है उन्हें सब कुछ ही तुहानू नगदी दे जाना है सो
सोना जरूर पावांगे, मिलनी कर लग्या, पर तैयार होके जरा टावर दे नाल आउणा। कुड़ियां ने मामे ये ना आखण भी मिर्जा ने लीड़े किहो जे पाए है। बुछ नूं ता दे के थरजा ते गरजा बोलियो, साडे लीड़े असीं ते रोज ही नवें सूट पा के थरसे चक्कर ला के आउने आ, साडी की गल करदा है, तू तैयारी कर तगड़ा होके असीं आए लै। खुशियां दे गीत गाउणे मिर्जिया ने कर भी शुरू हो गए, ते नाल ही मियां सिंह ने भी कह दिता भी मेरे थोड़े जे रिश्तेदार आउणे ने, बाकी दे ते मेरे नाल नाराज है। कहिंदे कोई गल नहीं, करना तां आपां विआह है ना, लगियां विआह दियां तैयारियां होण। कई दिन जनानियां ने गीत गाए, अखीरी वह दिन आया जिदन बरात तैयार होनी सी। मुंडियां नूं सगना ने लीड़े पुआए गए ने, सेरे बधे गए ने, गुट्टां उत्ते गाने बधे गए ने, मुंडियां दे मामे और मुंडियां दे चाचे ते ताए और उन्होंने पणवइए इस बरात विच जिवें अपनी तैयारी कर रहे ने, मानो बली दे बकरे अपनी मौत वालों किवें तैयार होके चले ने, उस वेले दियां लाइनां नूं क्यों पेश कीता जा रहा। तेन चढ़े वीरवार होए मिर्जे तैयार, मौत पाल दी शिकार फिर दी है खोर ना, मिर्जे बरात लेके चढ़े तोरना। कईआं छापां छल्ले पाए वट मुछां नूं चिड़ाए, जाने मौत ना वी आए आ गईआं ने शामतां, नाइयां कोलों ताजियां कराइयां जामतां। ओ दिन चढ़े वीरवार होए मिर्जे तैयार, मौत पाल दी शिकार फिर दी है खोर ना, मिर्जे बरात लेके चढ़े टोरना। कईआं छापां छल्ले पाए वट मुछां नूं चिड़ाए, जाने मौत ना वी आए आ गईआं ने शामतां, नाइयां कोलों ताजियां कराइयां जामतां। ओ सरजा गरजा दो पारी कीती उन्हां ने तैयारी, सूट पाए नसवारी गुट्टां उत्ते कड़ियां, सिरी कल जोगना हसन खड़ियां। मामे हो पे ने तैयार केड़े बड़े होशियार, बन जाने दा शिंगार उमरा ने पौनिया, मिलनी चो छापा जिन्ना ने पवाणिया। ओ नाल चढ़े पाना वहीए जिन्ना वार ने रुपये, नाल लै लेने गवइए जन बिच गाउण गे, मिर्जे दा किस्सा सब नूं सुनाउण गे। बदलाड़िया ने गाने लीड़े फब देने सने, जैसी चांदी उसमाने फब देने सेरे जी, मौत नाल होण गे जिन्ना दे फेरे जी। वही नीवें गोडियां तो चगे लड़ चादरा दे छड़े, नीवें गोडियां तो चगे लड़ चादरा दे छड़े, कट्ठे हो गए काले बगे नसलां की दिसदियां, धक्के नाल तियां प्यौन चले सिख दियां। पाई टोल वाले जल्ली जा असत बाजी चली, गिद्दे विच तर थली चोरी पाई मेलना, थप्पा वांगू जिन्ना ने गिद्दे च पेलना। सुरमा पाके फिर जाइया मुखों इंज फरमाइया, लिया के लियाओ सिख जाइया बेगमां बनावांगे, मोरां ते गुलाबो आख के बुलावांगे। ओ काजी गैने दोवें आ जिन्ना पढ़ने निका, मुखों आख देखदा तस्बियां ने फड़िया, राय उत्ती आ गईया अखीरी कड़िया। ओ उधर मियां सिंह पक्खी जांदे बब्बर ने हसी, अज नाकी उत्तों मक्खी है उड़ा के छड़नी, मुगला दी जिन्ना ने परात वड़नी। चन पहुंच गई जाया लई हवेली च लिंगा,
जुड़ते दिल नी देखो लगी होना है अजी मिलनी। बरात चढ़ी अगले घर टका कीता टोल टमकिया दे नाल बड़ा नच रहे सन चली पा रहे सन बड़िया खुशियां सी के सिख दियां तियां असी व्याह के लियाउणियां। उधर प्रभुर काली कुंडा सिंह उहदे साथी भी रात दे आ बैठे सन। कुछ भाई मियां सिंह साहब ने अपने यार मित्र सदे क्योंकि पूरी तैयारी सी वह गड्डिया उत्ते आए ने। पिंड विच विचारा हो रही भी चंगे चंगे बंदे इस विआह उत्ते आ रहे ने पिस्तरी मियां सिंह दे यार मित्र भी चंगे ने पर यह गड्ढे की करन लियांदे गए इहदा अगे जाके पता लगेगा। प्रोग्राम बनाया सी कि बरात नूं मारन तों बाद मियां सिंह दा समान गड्डिया उत्ते लद के किसी दूसरे पिंड लिजाया जाएगा। आई है बरात बब्बर काली कुंडा सिंह साहब ने पिया सिंह नूं आख्या भी मित्रा हुण जिहड़े जिहड़े बंदे तैनूं रड़कदे आ उहनां नूं मिलनी दे बहाने हवेली विच नंगा लै। होया अगे भाई मियां सिंह साहब उहने बेनती कीती सरजा ते गरजा तुम्हें विआह वाले मुंडे तुम्हें इन्हां दे मामे तुम्हें इन्हां दे पणवईए नाल इन्हां दे फुफड़ अते दो काजी जिन्हां ने निकाह पढ़ना है जरा इन्हां नूं हवेली दे अंदर लियांदा जाए कुड़ी दे मामियां ने मिलनी करनी है। देख के मुछां नूं तां बड़े चा ना छापां ते कड़े पाउण लई हवेली विच लंघे ने। करे मालवे विच जाओ भावें बंदा गरीब होवे पर हवेली दा दरवाजा बड़ा मजबूत लगा हुंदा है ते कंधां बड़ियां उच्चियां ने। ऐसी हवेली सी भाई साहब भाई मियां सिंह साहब दी इन्ने क बंदे घेर के जिवें बकरियां बाड़े विच वड़ लईआं जांदियां हवेली विच कीते ने बस इन्हां नूं हवेली विच दे के बाहरों भाई मियां सिंह साहब ने चिंदरा ला दिता है। छापा पाउण वालिआं ने वेख्या कि अगले पास्यों बंदूकां वाले निकले ने सोच रहे ने शायद ते फौजी बंदे है पर ज्यों ही नेड़े आए जथेदार मियां सिंह साहब जी ने जिवें इन्हां नूं छापां ते छल्ले पा के तोरिया भाई मियां सिंह साहब जी ने किवें बरात दा आदर कीता अते कुंडा सिंह साहब ने यह विआह वाले जिहड़े जबरन विआहुण वक्त आए सी किवें गोलियां दे नाल भुन दित्ते उस वेले दा नक्शा जरनैल सिंह सुबराह दे साथी मेजर सिंह अते भगवंत सिंह इउं बयान कर रहे ने। पन के ते सेरे टुके लईके जन लाड़े है मिलनी बहाने सखने हवेली विच वाड़े है नार के जंदरा वांगर कुकड़ा दे ताड़े है मुखड़ा वखाया सबनू मौत सुगाहत दा मियां सिंह आदर करदा एदा बरात दा मियां सिंह आदर कीता। बबरा दे हत्थी वेखियां जदों बंदूकां जी नाग जरीले वांगू मार दियां फूकां जी वेख के मौत नचदी निकल गियां कूकां जी पै गए रंग पीले पल विच वड्डे जिरवाणियां दे बबरा ने वैरी पुनते वांग रांदाणियां दे बबरा ने दुश्मन पुनते बन के ते सेरे टुके लेके जन लाड़े है मिलनी बहाने सिखने हवेली विच वाड़े है मार के जंदरा वांगू कुकड़ा दे ताड़े है मुखड़ा वखाया सबनू मौत सुगाहत दा मियां सिंह आदर करदा एदा बरात दा मियां सिंह आदर करदा। बबरा दे हत्थी वेखियां जदों बादूकां जी नाग जरीले वांगू मार दियां फूकां जी वेख के मौत नचदी निकल गियां कूकां जी पै गए रंग पीले पल विच वड्डे जिरवाणियां दे बबरा ने वैरी पुनते वांगरा दाणियां दे बबरा ने दुश्मन पुनते। मिस्त्री मियां सिंह ने ऐसे ओ मंदरे ने उच्ची हवेली दे विच घिर गए सब अंदरे ने तौड़न दरवाजे वल नूं फुल दे ना जंदरे ने परदी सी गोली जैसे पत्तल बरसात दा मियां सिंह आदर करदा एदा बरात दा परदी मी वांगर गोली जिन्हां नूं चाबड़ी सी छापां दे छल्लियां दी लगी हुई मेहंदी रह गई हत्थां ते चल्लियां दी ऐसी फड़ाई चाबी माया दे गल्लियां दी कीते चा पूरे पल विच ताजियां मलाणियां दे बबरा ने वैरी पुनते वांगिरा दाणियां दे बबरा ने दुश्मन पुनते।
जिन्ना नू चा बड़े सी लावां ते फेरियां दे लै गईयां पग्गां सिरां तों पत्ते सन सेरियां दे कंधा ना दड़दे फिरदे वांग बटेरियां दे छेलियां किंजवार चलना फेरां दी काहत दा मियां सिंह आदर करदा एदा बराहत दा मियां सिंह आदर कीता। ओ सरजा ते गरजा मारे वड्डे जो गुंडे हैं सुट्टे बराबरी उत्ते व्याह वाले मुंडे हैं मुंडिया दे जीजे दोवें नाल गए फुंडे हैं चलदे सिंह रोब कदे ना राजियां राणियां दे बबरां ने वैरी पुनते वांग ना दाणियां दे बबरां ने दुश्मन पुनते वही डरदे सब भजे फिरदे डरदे सब भजे फिरदे कंधा वल चढ़दे लाउंदे हन जोर बतेरा हत्थ ना अड़दे मौरां विच खा के गोलियां धरती ते चढ़दे लगदा ना पता किसे नू ओथे दिन राहत दा मियां सिंह आदर कीता एदा बरात दा मी मांगर वरदी गोली। ओ मारन हथ मथे आखण किस्मत अज खोटी है होई नसीब न खानी रात दी रोटी है हो गए शरीर कियां दे बोटी तू बोटी है लत्तां ते बाहां खिलरियां वांगरां टाणियां दे बबरां ने वैरी पुनते वांगरां टाणियां दे बबरां ने दुश्मन पुनते कंधां ना लगे लोकी लैंदे सी वौड़ां जी कईयां ने खेतां दे वलियां लातियां दौड़ां जी औखियां बहुत सैणियां पुलिस दियां तौड़ां जी लुक के झट आईए किधरे वेला पात दा मियां सिंह आदर करदा एदा बरात दा मियां सिंह आदर कीता। तानू मावां लीके वड़ गया सन अंदरे जी सारे दरवाजियां ताई मार के जिंदरे जी आउन जिर नैर कदे ना टैम ए चंदरे जी दर्दियां सा कुत्ती बैठियां छोटी आयाणियां दे बबरां ने वैरी पुनते वांगरां दाणियां दे बबरां ने दुश्मन पुनते। ऐसी सूरबीर बहादुर बाबा कुंडा सिंह साहब की दास्तान जिन्हें परपकार करके एक मिस्त्री दियां धीआं दी इट बचाई सारा समान गड्डिया उत्ते लद के इथों तुर गए ने और तियां व्याहुण वक्ते व्याह वक्ते पैसे भाई कुंडा सिंह साहब ने मीहां सिंह नूं दे दित्ते। अगे की होया कदे फिर सही। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।